मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ शिप्रा जोशी। आज का लेक्चर वीडियो है हमारा PHP ट्यूटोरियल 4। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स क्या होते हैं और टोकन्स क्या होते हैं। आज हम बेसिक सबसे पहला शुरू करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट। किसी भी लैंग्वेज में प्रिंट करना, आउटपुट देना कैसे किया जाता है। तो जैसे सी में हम प्रिंट एफ यूज़ करते थे, C++ में हम सी आउट यूज़ करते थे, जावा में हम system.out.println यूज़ करते थे, ऐसे ही PHP में प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं, इको और प्रिंट। दोनों ही के थ्रू आप अपने आउटपुट को प्रिंट कर सकते हो। इको स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए अपन एक दो प्रोग्राम बना के देखेंगे, जिससे हम कैसे इको यूज़ करते हैं और हमारा PHP का फर्स्ट प्रोग्राम भी हो जाएगा। सबसे पहले मैं सबलाइम ओपन कर रही हूँ ताकि मैं कोड टाइप कर सकूं। यहाँ पर हम अपना पहला पेज बनाएंगे, पेज को सेव करते हैं। हमारा जो भी कोड सेव होगा वो हमारे सर्वर की मेमोरी में सेव होगा। तो मेरा सर्वर XAMPP है, XAMPP के अंदर हमें डेटा सेव करने के लिए htdocs में जाना चाहिए। और यहाँ पर मैंने एक वेब नाम से फोल्डर बना रखा है, जिसमें हम अपने सारे इस ट्यूटोरियल के सारे डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। यहाँ पर मैं सेव कर रही हूँ page3.php। आप एक्सटेंशन किसी भी केस में दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम स्मॉल में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरी फ़ाइल का एक्सटेंशन है page.php और नाम है page3। यहाँ पर हम बेसिक HTML पेज बनाएंगे। HTML पेज के अंदर सपोज़ मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है PHP इको। जब भी हमें PHP कोड लिखना है तो हम इको PHP कोड ब्लॉक लगाएंगे। और प्रिंट करने के लिए जो भी स्ट्रिंग आपको प्रिंट करनी है हेलो, उसे डबल कोट में लिखेंगे और लाइन को सेमी कोलन से टर्मिनेट करेंगे। ये होता है किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने का तरीका। मैंने फाइल पाथ को कॉपी किया। इसके बाद ब्राउज़र पे जाके मैं अपना URL पेस्ट करूँगी और यहाँ पर htdocs तक के पाथ को लोकल होस्ट से रिप्लेस करूँगी। एक बार सर्वर ऑन होना चाहिए हमारा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। मैंने सर्वर पहले से ऑन करके रखा है। ये देखिए, मेरा अपाचे भी ऑन है और MySQL भी ऑन है। और नहीं हो तो आप स्टार्ट कर लीजिए और उसके बाद आप अपने पेज को रन कर सकते हैं। देखिए, आउटपुट में हेलो आ गया। यही काम अगर हमको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू करना है तो यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू भी यही काम कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा प्रिंट हो गया। तो आप जो काम इको से कर सकते हो वो काम प्रिंट से भी कर सकते हो। कुछ डिफरेंसेस हैं, इको और प्रिंट दोनों ही केस इंसेंसिटिव हैं। आप इनको स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, टॉगल केस में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस इंसेंसिटिव स्टेटमेंट हैं। यहाँ पर सपोज़ मैंने एक वेरिएबल बनाया $A=hello और $B=Shipra। अब मुझे दोनों को एक साथ प्रिंट करना है, एक स्पेस के साथ जोड़ के। तो मैं लिखूँगी इको $A. डबल कोट में मैंने स्पेस दे दिया और $B। और पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हेलो और शिप्रा। अगर मैं इनको एक साथ लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ। इसमें मुझे डॉट की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट हेलो वैल्यूज़ लिख के इनको रन कर सकती हूँ तो भी मेरा आउटपुट आ जाएगा। मैं $A, $B भी लिख सकती हूँ तो भी मेरी दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, बस उसके बीच में स्पेस नहीं आएगा। स्पेस लगाना होगा तो मुझे यहाँ पर कॉमा लगा के एक ब्लैंक स्ट्रिंग इसमें डालनी पड़ेगी, तो इससे हेलो स्पेस शिप्रा आ जाएगा। तो इको को आप बहुत वैरायटी से यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, बस जब हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं तो हम सिंगल कोड का यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमने सिंगल कोड का यूज़ कर दिया, सपोज़ मैंने लिख दिया $A$B, तो यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट ना हो के $A$B एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो जब भी वेरिएबल्स को प्रिंट करना होगा तो हमें डबल कोट यूज़ करना है, सिंगल कोट यूज़ नहीं करना है। सिंगल कोट में जो लिखा होगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट के थ्रू हमें मल्टीपल वैल्यूज़ प्रिंट करनी है। प्रिंट एफ प्रिंट हेलो कॉमा $A, यहाँ पर ये एरर आ जाएगी, ये कॉमा को सेपरेट नहीं कर पाएगा। डॉट $A, यहाँ पर आ जाएगा हेलो हेलो। तो आप कॉमा सेपरेट करके इको के थ्रू प्रिंट कर सकते हो, लेकिन प्रिंट के थ्रू प्रिंट नहीं किया जा सकता। ये डिफरेंस आ जाता है इको और प्रिंट में। आगे बढ़ते हैं।
डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इको इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट, इको के थ्रू हम आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। प्रिंट इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट यूज एंड अल्टरनेटिव टू इको एट मैनी टाइम्स टू डिस्प्ले द आउटपुट। अगर कई बार आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है तो आप इको के अल्टरनेट में प्रिंट भी यूज कर सकते हो। इको कैन बी यूज विथ और विदाउट पैरेंथेसिस, इको में आप पैरेंथेसिस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंट में भी कैन बी यूज विथ और विदाउट पैरेंथेसिस, लेकिन बेसिक सिंटेक्स में हम कभी भी पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं। लेकिन इको और प्रिंट दोनों क्या है? स्टेटमेंट्स हैं। इको डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, इको में कभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, जबकि प्रिंट हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है जो कि हमेशा क्या होती है? वन होती है। इको में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट या मल्टीपल स्ट्रिंग्स कॉमा सेपरेट करके पास की जा सकती हैं, जबकि आप इको में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट रन पास नहीं कर सकते। ये हमने प्रोग्राम के थ्रू ट्राई करके भी देखा। प्रिंट के थ्रू अगर हम ट्राई करते हैं तो वो हमें एक सिंटेक्स एरर रिटर्न करता है। इको इज़ फास्टर देन प्रिंट स्टेटमेंट। अगर हम कोर प्रोग्रामिंग पे जाएं और उनके एग्जीक्यूशन स्पीड को देखें तो इको की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो फास्ट होती है, जबकि प्रिंट की जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो स्लो होती है। तो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि इको यूज़ करें। नेक्स्ट है पीएचपी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लास्ट जो हमारा लेक्चर वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो रन टाइम पर मेमोरी वैल्यू हमें स्टोर करनी होती है वो वेरिएबल होती है। अब वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसका स्कोप डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपको कोई नंबर, मैंने आपको एक नंबर बोला कि इसको ध्यान में रखिए, तो आप ध्यान में रखने के लिए उसे हाथ पे लिख लेंगे। अगर मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर है तो आप उसे कॉपी पे लिख लेंगे, और अगर मैंने कहा नहीं ये बहुत किसी चीज़ का पासवर्ड है तो आप उसे बहुत अच्छे से कहीं मैनेज जगह पे रख के लिखेंगे। मतलब वो वैल्यू कितने टाइम तक यूज़ होनी है ये डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे स्टोर करते हैं। सेम ऐसे ही वेरिएबल्स का भी स्कोप होता है कि वो वेरिएबल कितनी देर तक यूज़ किया जाएगा, कितनी देर उसकी लाइफ होनी चाहिए। उसके बेसिस पर वेरिएबल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल तो नाम से ही समझ में आ रहे हैं, लोकल जो थोड़ी देर के लिए यूज़ किया जाए, ग्लोबल जो पूरे प्रोग्राम में यूज़ किया जाए। एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। लोकल वेरिएबल, द वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन या विद इन अ फंक्शन आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल फॉर दैट फंक्शन। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो उस वेरिएबल का जो स्कोप है या जो उसकी लाइफ है, स्कोप और लाइफ में क्या अंतर होता है? स्कोप मतलब वो कितनी देर एक्सेसिबल है, और लाइफ मतलब वो कितनी देर मेमोरी में रहेगा। कोई चीज़ मेमोरी में है, एक्सेसिबल नहीं है, अभी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते तो उसका स्कोप नहीं है, लेकिन लाइफ तो है। सेम ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई वेरिएबल लोकल वेरिएबल है तो आप जितनी देर फंक्शन के अंदर हो उतनी देर ही वो मेमोरी में रहेगा और उतनी देर ही आप उसे एक्सेस कर पाओगे। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल ए डिक्लेयर किया, तो जैसे ही मैं फंक्शन कॉल करूँगी ए के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, और जैसे ही फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा या टर्मिनेट होगा उसकी मेमोरी को फ्री कर दिया जाएगा, अब उस ए का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं और फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। नेक्स्ट होता है ग्लोबल वेरिएबल, जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं ओपनली, तो वो वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स जब तक वो प्रोग्राम, फंक्शन नहीं पूरा प्रोग्राम, जब तक मेमोरी में है, जब तक वो एग्जीक्यूट हो रही है वो स्क्रिप्ट, तब तक वो मेमोरी में रहेंगे। स्क्रिप्ट के ख़त्म होने पर पूरे पेज के एग्जीक्यूशन के बाद उनकी मेमोरी को फ्री कर दिया जाएगा। वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड एनी वेयर इन द प्रोग्राम, अब उनका स्कोप पूरा प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन के अंदर कहीं भी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। हाँ, अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो किसी फंक्शन के अंदर, तो आपको ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू बताना पड़ेगा कि ये जो हम वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये प्रोग्राम का ग्लोबल वेरिएबल है। तो ग्लोबल्स कीवर्ड के थ्रू आपको उसे बताना पड़ेगा कि हम कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। देयरफॉर देयर इज़ नो नीड टू यूज़ एनी कीवर्ड टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड अ फंक्शन। हाँ, अगर आप फंक्शन के बाहर एक्सेस कर रहे हैं तो ग्लोबल ही एक्सेस होंगे, तो फंक्शन के बाहर आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है स्टेटिक वेरिएबल। स्टेटिक वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल से थोड़े ज़्यादा होते हैं और ग्लोबल से थोड़े कम होते हैं। इट इज़ अ फीचर ऑफ पीएचपी टू डिक्लेयर अ वेरिएबल वंस इट कम्प्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन एंड मेमोरी इज फ्री। जो लोकल वेरिएबल होते हैं, फंक्शन कॉल होता है, मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं और फंक्शन ख़त्म होता है तो मेमोरी फ्री कर देते हैं। लेकिन कई बार हमें एक फंक्शन कॉल और दूसरे फंक्शन कॉल के बीच में किसी डेटा को स्टोर करके रखना होता है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं? स्टेटिक वेरिएबल। इसीलिए हमने कहा था कि ये लोकल से थोड़े ज़्यादा होते हैं और ग्लोबल से थोड़े कम। लोकल से ज़्यादा इसलिए क्योंकि इनका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। एक बार किसी स्टेटिक वेरिएबल को आपने डिक्लेयर कर दिया तो भले आपने उसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, लेकिन वो उसका लाइफ टाइम क्या हो जाएगा? पूरा प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम है तब तक वो मेमोरी में रहेगा। Therefore, another important feature of variable scoping is static variable. We use the static keyword. किसी भी variable को static बनाने के लिए हम static keyword का use करते हैं और static keyword एक बार declare होते हैं। जब program पहली बार execute होता है तब वो declare होते हैं और जब तक पूरा program ख़त्म नहीं होता तब तक वो memory में रहते हैं। ऐसे variables को static variables कहते हैं। PHP में variables को declare करने के लिए dollar sign लगाया जाता है, और अगर किसी वेरिएबल का रेफरेंस बनाना हो, एक ही वेरिएबल को एक और नाम देना हो, तो हम डबल डॉलर लगाते हैं। डॉलर वेरिएबल इज़ अ नॉर्मल वेरिएबल विद द नेम वेर दैट स्टोर एनी वैल्यू लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लॉट। इन वेरिएबल, जो डॉलर वाले वेरिएबल्स होते हैं, इनमें डेटा स्टोर होता है। जबकि जो डबल डॉलर वाले वेरिएबल होते हैं, इसमें किसी वेरिएबल का रेफरेंस स्टोर होता है। सपोज़ मैंने लिख दिया, यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन। देखिए, ये हमारा एक कोड है। कोड में हमने क्या लिखा है? डॉलर इक्वल्स टू शिप्रा लिखा है और डॉलर शिप्रा इक्वल्स टू शिप्रा जोशी लिखा है। अगर मैं डॉलर ए को प्रिंट करती हूँ, मैंने सिंगल कोट में इसलिए लिखा है क्योंकि एज इट इज़ यही प्रिंट हो। अगर मैं डॉलर ए को प्रिंट करती हूँ तो क्या लिखा हुआ आएगा? सिर्फ शिप्रा। लाइन चेंज की, अगर मैं डॉलर शिप्रा को प्रिंट करती हूँ, डॉलर शिप्रा नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और उसको प्रिंट करती हूँ, तो उसमें क्या आएगा? डॉलर शिप्रा में वैल्यू डली हुई है शिप्रा शिप्रा जोशी। अब अगर मैंने डॉलर डॉलर ए लिखा तो डॉलर ए की वैल्यू है शिप्रा और फिर डॉलर शिप्रा की वैल्यू है शिप्रा जोशी, तो हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट आएगा ये। देखिए, यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा डॉलर ए इक्वल्स टू शिप्रा और डॉलर शिप्रा इक्वल्स टू शिप्रा जोशी। और अगर मैं डॉलर डॉलर ए लिखती हूँ तो शिप्रा जोशी, मतलब डॉलर ए में शिप्रा है। तो जब अपन इतनी पार्ट को रन करेंगे, मैं इसको जूम करती हूँ, अगर हम इतने पार्ट को रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा शिप्रा और डॉलर शिप्रा में क्या लिखा हुआ है? ये पूरा नाम, तो ये पूरा नाम प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू को भी एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो ये होते हैं डबल डॉलर। यहाँ पर हमारी सारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, जिसमें हमने वेरिएबल्स और उनके स्कोप और उनके लाइफ टाइम के बारे में डिस्कस किया, प्लस डॉलर और डबल डॉलर के डिफरेंस को डिस्कस किया, इको और प्रिंट में क्या अंतर होता है, कौन सा प्रेफर करना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम आगे कुछ और नए टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। अभी हम प्रोग्रामिंग के बेसिक पे हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, थैंक यू।